हेलो। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी सब्जियाँ, और मैं बनाने जा रही हूँ आज सांभर, जिसके लिए प्याज कटिंग करेंगे अच्छे से, फिर टमाटर भी कट कर लेंगे, उसके बाद आलू कटिंग करेंगे। फिर ये मैंने सांभर में डालने के लिए बीन्स लिया है, इसे भी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद लौकी, मेन चीज़ है लौकी, इसे भी अच्छे से छील लेंगे। उसके बाद छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लेंगे अच्छे से। ये लौकी कट गया अच्छे से। फिर ये 5-6 लहसुन ले लेंगे। उसके बाद कुकर में डालेंगे तेल, फिर प्याज मिर्ची, और अच्छे से इसे भूनेंगे। प्याज थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया, उसके बाद इसमें कटिंग किया हुआ आलू डाल देंगे। उसे भी अच्छे से चलाएंगे। फिर इसमें डालेंगे छोटे कटिंग किए हुए बीन्स, और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे लौकी, उसे भी अच्छे से भून लेंगे। वैसे तो सांभर बहुत तरीके से बनता है, आप एक बार इस तरीके से बना के देख सकते हैं। सारी सब्जियां भून जाने के बाद इसमें डालेंगे मसाला, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा रेड चिली पाउडर। उसके बाद ये गरम मसाला थोड़ा, फिर इसे भून लेंगे अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे ये लहसुन कटिंग किया हुआ। उसके बाद दाल डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर, इसे भी अच्छे से मिलाएंगे। जश्न नहीं मना सकते। डालेंगे नमक, सबसे लास्ट में नमक डालते हैं ताकि वो अच्छे से सब्जियों को पका दे। फिर इसमें पानी डालेंगे। वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत हो गई। 3-4 सीटी लगने देंगे। तड़का के लिए रेडी करेंगे इमली का पानी, मिर्ची, करी पत्ता, हरा धनिया, जीरा, उड़द दाल और सरसों। कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसके बाद सबसे पहले सरसों डाल देंगे, फिर सभी चीज़ों को डाल देंगे अच्छे से। उसके बाद ये उबली हुई सब्जियां, दाल डाल देंगे अच्छे से मिला लेंगे फिर इसे। उसके बाद इसमें डालेंगे पानी, जितना आपको पतला रखना है। इसमें 1 कप इमली का पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। फिर इसमें सांभर मसाला डाल देंगे। उसके बाद चलाएंगे अच्छे से। फिर इसमें जाएगा नमक। नमक आप ध्यान से डालें, वरना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले भी सब्जियों में डाला है। अब रेडी हो गया ये सांभर, बहुत ही टेस्टी दिख रहा था। मैंने इडली और चटनी पहले ही बना के रखा था, अब ये टेस्टी सा हो गया इडली सांभर चटनी। मेरे हस्बैंड खा के बताएंगे कैसा लगा उन्हें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।